जाते हैं कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, ये देखें माशाल्लाह। याद है आप लोगों को हमारी काली मुर्गी थी, इसके अंदर आ गई हाथ में, ये ऐसे बंद होता है डेली का इसका। सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई मैं गया था बाहर जरा, हमारे जो ऊपर वाले जितने भी परिंदे हैं हमारी डक और ये जो मुर्गे मुर्गियाँ हैं उनके लिए दाना लेने, तो अभी अभी लेकर आया हूँ और ये आ जाते हैं हमारे पास फौरन। चलो तो दोस्तों हमारा ये दाना ख़त्म हो गया था तो इनके लिए मैं लेकर आया हूँ और बिल्कुल अभी अभी पहुँचा। बहुत गर्मी है भाई आज, आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। और दोस्तों एक और चीज़, कल जो हमारा ये टूट गया था वो देखें, मैंने ये शाम को भाई के साथ मिलके बांधा, फिर जब वो आए तो ये देखें अभी ये मोटी वाली रस्सी बांधी है। मेन प्रॉब्लम जो हो रही है दोस्तों वो ये है कि ये रस्सी कट रही है, ये दिख रही है आपको जाते हुए जो दीवार है वो देखें, वहाँ से रस्सी कट जाती है और वहाँ से ही टूट जाती है, तो वो हिलता है ना तो उसकी वजह से ये रस्सी दीवार के किनारे से कट रही है बार बार। खैर दोस्तों फ़िलहाल यही सेटअप है जो हमें रखना है ताकि ये जो है हमारे डक्स और जो हमारी मुर्गियाँ हैं और अगर हम कुछ और लाते हैं तो वो बचे रहें धूप से। क्या लाता हूँ कुछ ला के देता हूँ तुम लोगों को, चलो भरा भरा के खिलाता हूँ तुम्हारे लिए। और बाकी एक और चीज़ दिखाऊँ दोस्तों, पहले इसको रख दें इसकी जगह पे। हाँ आ जाओ भाई, अरे फिट नहीं आ रहा, पानी का तो बेड़ा गर्क कर दे दो तुम दोनों। बाकी दोस्तों हमने आज काफ़ी दिनों बाद हमारे जो मुर्गा मुर्गियाँ हैं उनको खोला है, वो देखें हीरा खुला हुआ है और सुकून से अपनी तीनों मुर्गियों के साथ नहा रहा है। सही है, काफ़ी दिन हो गए थे दोस्तों इनको खोल नहीं पा रहे थे और उसी वजह से ये लोग काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। कहाँ जा रहे हो, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, ये देखें माशाल्लाह, काफ़ी टाइम बाद मैंने इनको उड़ते हुए देखा। तो दोस्तों एक जो खुशी की खबर है वो ये है कि हमारा जो हीरा है ना दोस्तों वो अपनी उस गंजी मुर्गी के साथ सेट हो गया है काफ़ी। मैं आप लोगों को नीचे लेके चलता हूँ, इन्हें दिखाता हूँ। मैं इनके पास आया था क्योंकि जाहिर सी बात है दाना रखना था तो मुझे ऊपर आना पड़ा, तो अभी दोस्तों इनको मैं थोड़ा सा दाना डाल दूँ क्योंकि सुबह दाना था नहीं तो मैंने इनको कम दाना डाल दिया था जितना पड़ा हुआ था। अभी मैं लेकर आया हूँ तो इनको डाल के जाऊँ ताकि ये अपना पेट भर लें। आओ वहाँ जाओ मेरे पास, क्या जाती हो तुम भाई। इनका नेस्ट भी हमने जो बनाया था कल है तो काफ़ी सेट और मुझे ऐसा फील हो रहा है दोस्तों कि हमारे जो पिजन है वो सेट हो गए हैं, दोनों पार्टनर बन गए एक दूसरे के, वरना अभी तक तो ये एक दूसरे से हो जाते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ जल्दी से और जो सेटिंग है ना इनकी आ जाए और फिर ये मतलब बस अंडे दे दें और अच्छा हो जाए। और एक और चीज़ दोस्तों जो रात में हुई, याद है आप लोगों को हमारी काली मुर्गी थी इसके अंदर जो कि जानी थी वो चली गई, वो भाई के किसी दोस्त ने ले ली उनसे और वो रात को ही चली गई दोस्तों, मैं दिखा नहीं पाया, बस उसकी याद रह गई। वो देखें उसका प्याला पड़ा हुआ है और बहुत अच्छी मुर्गी थी यार, काफ़ी अच्छी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी वो क्योंकि अंडे वगैरह भी बहुत देती थी वो। और एक होता है दोस्तों, होता है मुझे मुर्गी मुर्गियों का बहुत ज़्यादा शौक है तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो बस ये वजह थी। बाकी दोस्तों मेरे को ना सेटअप जो है ना उसकी काफ़ी परवाह रहती है यार, ये फट फटा जाएगा बहुत जल्द, ये पक्का काम बिल्कुल भी नहीं है, तो जैसे तैसे होता है जितना होता है मैं जल्द से जल्द सेटअप को कर दूंगा जनरेट। अच्छा खैर दोस्तों अब चलते हैं हम नीचे, तो दोस्तों नीचे चलते हैं लेकिन उससे पहले यार हमारी जो बजीज है दोस्तों इसके मैं अंडों को सोचा था निकालने का क्योंकि मुझे ये था कि ख़राब कर क्या देगी, कर दिए हैं तो ये बिल्कुल भी अंडे निकाल लिए। एक दिन हम और देखते हैं आज दोस्तों, कल इसके हम अंडे निकाल लेंगे, अगर ये नहीं बैठी मैं पूरे दिन इसको नोटिस करूँगा कि अगर ये नहीं बैठ रही मतलब इसने अंडे ख़राब कर देने हैं, बल्कि ख़राब हो भी जाएंगे कुछ अरसे में, खुद ही फेंक देगी दोस्तों। तो देखते हैं अगर ख़राब कर दिए तो उससे पहले ही हम निकाल लें और एक आइडिया मेरा जो मैं आप लोगों को कल ही बताऊँगा। फिर दोस्तों इनको ढक देता हूँ मैं। और एक और चीज़ दोस्तों, अभी मौसम ख़राब चल रहा है तो जिन जिन भाइयों ने जो जो शौकीन हैं उन्होंने पाले हुए हैं बजेज़ वगैरह ये जितने भी, इनको ढक के रखें, शाम होने से पहले जल्दी ढक दें ताकि ये बीमारी ये लपेट में ना आए क्योंकि नज़ला बुखार और एक गर्दन की बीमारी इनमें बहुत चलती है दोस्तों। जैसे हमारा येलो बजी था वो हैकल वो मर गया, बिल्कुल ऐसे ही लपेट में सारे आके मर सकते हैं, तो बहुत ख्याल करें आप लोग अपने तमाम परिंदों का। खैर दोस्तों चलें बाहर चलते हैं अब हम गली में अपने मुर्गों के पास। क्या अंदर ला रहे हो, ग्रिल बंद कर दूँ, क्या हो गया अंदर नहीं आ रही मेरे नीचे आते हैं इन्होंने बंद कर दिए क्योंकि काफ़ी देर से दोस्तों खुले हुए थे। खैर इनको बंद कर देते हैं, ये तो आ जाएगी आते, एक घूम रही है तो ख्वार कर रही है बहुत ज़्यादा वो
भागे रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। हमारी इन तमाम तीनों मुर्गियों में से ना दोस्तों यही अच्छी है, जो खुद डायरेक्ट अपने खाने में चली जाती है आते ही सुकून से। चलो तभी भागा वहाँ से, क्या हो गया? बस गेट बंद कर दो आप, इतना क्या खास। और बहुत तो काला खान को भी खोल दिया है काफी दिनों बाद, हमने आखिरकार इनको खोल दिया यार। यार इससे डर लगता है, बहुत गंदा काटता ही है। हाँ चलो 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 आजादी जाओ, आज तुम लोग आजाद हो। काफी दिन हो गए थे इनको खोल नहीं पा रहा था, आज टाइम मिला है तो दोस्तों इनको खोल लिया, अब ये सुकून से रहेंगे। दोस्तों तीन दोनों के दोनों जो काला खान और ये इनकी एक बुरी आदत है, ये वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ गए हुए थे, वहाँ से पकड़ के मैं इनको यहाँ लाया हूँ। चलो जाओ, और ना ये डरता है मुझे मारने पे तुला रहता है, इसको ये रहता है कि बस मैं हाथ आ जाऊँ। देखें अभी भी आगे नहीं जा रहा है, ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें। चलो कचरे में बैठ जाओगी इधर। कैसे हो दोस्तों? ये काली बिल्ली है, अरे 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 नहीं भागो, कुछ नहीं कर रहा, इसकी आंखें देखें, येलो आइज हैं। अंदर दिखाऊं मैं मार के, मुझे बड़ी पसंद है बिल्लियां, पर दोस्तों क्या करूं, रख नहीं सकता मैं, वालदा की प्रॉब्लम है तो उस वजह से हम रख नहीं सकते बिल्ली, तो मैं लाता नहीं हूँ, बाकी हैं तो मिल तो बहुत रही हैं पर नहीं ला सकता। खैर ये देखें बहुत प्यारी है यार, मुझे बहुत अच्छी लगती है, चेक करते हैं टेम होती है। अरे 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 भाग गई, नहीं भाई नहीं टेम नहीं होगी। काले खान तुम्हारे साथ का पार्टनर मिला हुआ है, जाओ उसके साथ खेलो। चलो ये एक जगह आके नहाए तो सही दोस्तों, मुझे यही हो रहा था कभी वहाँ घूम रहे होंगे आगे कोने पे, कभी वहाँ प्लाट पे चले जाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं आते ही है। तो दोस्तों भाई जब तक वो काला खान और वो नहा रहे थे, मैंने आज इनके पिंजरा भी साफ कर दिया, देखें काफ़ी सेट हो गया है। और जो हमारी जो मुर्गी है उसके काफ़ी पर झड़े हुए थे, क्योंकि अंडे देने के बाद ये अक्सर पर जो झाड़ देती हैं, देखा आपने उसकी कंडीशन कैसी हुई है। खैर अब इनको अंदर लेकर आते हैं, और बहुत थक गया हूँ मैं भी यार, सीधी अंदर। काले खान को जो है हमें पकड़ के बंद करना पड़ेगा वरना ये काटेगा। आ गई हाथ में, ये ऐसे बंद होता है डेली का इसका। चलो दोस्तों मैं इनका दाना पानी कर दूं सारों का, अंदर ही डालूंगा क्योंकि इनको बाहर तो खोल लिया, बाहर मैं खिलाता नहीं हूँ, तो अंदर ही खिला पिला के फिर आप लोगों से मिलता हूँ 2 मिनट में। आप लोग साथ रहें, हम लोग इनको दाना पानी कर देंगे। तो दोस्तों सारों का दाना पानी कर दिया, नीचे भी कर दिया, मैं ना लगवाते हो ऊपर भी आके कर ही दूं, तो इनका भी कर दिया था, वो देखें वो उनका दाना जाके खाएंगे, अपना छोड़ देंगे, जबकि दाना एक ही है दोनों का, सारों का एक ही है, लेकिन नहीं वो देखें वहाँ जाके उनके साथ छेड़खानियाँ करेगी, ये दोनों भी आए तो वहाँ जाके करेंगे ये, फिर जब ये जाके काटेंगे ना तो मेरे पास भागते आएंगे यहाँ पे फौरन और चीखेंगी। अरे कबूतर भी खा रहे हैं, नीचे वाली मुर्गे भी लगे पड़े हैं यार, इनको भी खोलना है मैंने जल्द अज जल्द, क्योंकि ऐसे बंद तो नहीं रख सकता ना, बंद रहेंगे तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, तो बेहतर ये कि इनको खोलूंगा मैं इंशाल्लाह 1 से 2-3 दिन में। खैर तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो अगर पसंद आया तो मेरे आज के व्लॉग को लाइक कर दें और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।